अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया आप सबके जाने पहचाने सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक आज यू आरजू मैम, आपसे थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर सर आपसे आज दो चीजें हम समझना चाहेंगे। एक तो बजट आया है, वैसे तो बजट बड़ा लेंदी होता है, हमें तो खुद अपनी कंट्री का बजट समझ नहीं आता, तो हम आपकी कंट्री का क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी सर, आम पब्लिक के लिए क्या कोई खास चीज आई है इस बजट में जिससे कि आम जो इंडियंस हैं उनको कोई फायदा हो या थोड़ा रिलैक्स करें, और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज आपको लग रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो रिसेंटली सभी जानते हैं कि पिशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मस्जिद के अंदर, तो उसको देखते हुए कहा ये जा रहा है, बल्कि टीटीपी ने एक्सेप्ट भी किया है कि जी उन लोगों ने किया है। तो भारत में क्या महसूस किया जा रहा है, क्या किसी किस्म की ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान में, और इसके साथ एज अ नेबर कंट्री आप लोग इस चीज को किस तरह से ले रहे हैं कि आप लोग अगर ये बढ़ते गए तो जाहिर है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह के लोग, ये टीटीपी वालों की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए भारत ने क्या प्लानिंग की है या क्या सोचा है कि पाकिस्तान को क्या एडवाइस करेंगे। जी सर, सबसे पहले बजट पर बात करते हैं। जी थैंक यू आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आरजू जी, हमारे कहावत है गागर में सागर भरना, मतलब समुंदर को एक मटके में डालना, वैसी बात है बजट को 10 एक मिनट में बताना, पर मैं कोशिश करूँगा। बजट में कल मैंने लाइव देखा, काफ़ी टीवी शोज कल दिन भर शोज तो टीवी के इसी पे चल रहे थे। देखिए, करीब 82 पॉइंट्स हैं बजट में, मोटे मोटे 82 पॉइंट्स। 82 पॉइंट्स को एड्रेस किया गया। 1.5 घंटे निर्मला सीतारमन जी का स्पीच चला, बजटरी स्पीच, और उसको 8-10 मिनट में डालना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू टच ब्रीफली क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो बजट हुआ था, एक एक उम्मीद की लगाई जा रही थी, एक आकलन था कि एक पॉपुलिस्ट बजट होगा। भाई, 9 स्टेटों का इलेक्शन है, फिर जनरल इलेक्शन है, उससे पहले बड़ा बजट है, तो इसमें रेवड़ियाँ बांटी जाएगी, फ्रीबीज बांटी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त बजट था। इनफैक्ट कल मैं लाइव टीवी पे था, लगभग पूरे दिन ही था, तो अपोजिशन के काफ़ी लीडर वीडर आए, तो कोई कोई कमी नहीं निकाल पाया, कोई कमी नहीं निकाल पाया बजट में कि ये कमी है, कमी है। तो मैंने एक एक दो से पूछे, मैंने कहा यार 82 पॉइंट थे, चलो आप 10 पॉइंट ही बता दो, इन पॉइंटों में ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, डाटा बता दो। कोई बता नहीं पाया, और ये बड़े बड़े नेशनल लेवल के लीडर्स थे, कुछ छोटे मोटे लीडर्स नहीं थे कल। देखिए, सबसे पहले मुझे लगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लास्ट ईयर से करीब 33% बढ़ाया, 3.5 लाख करोड़ होता था 2019 में, 10 लाख करोड़ कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब है सबसे पहले जो चीज़ें आएंगी उससे जॉब्स खुलेंगी, नौकरियां खुलेंगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन ऑफ अ जॉब इज अपॉर्चुनिटी टू अर्न, रोजगार के अवसर। नौकरी का मतलब ये नहीं होता आरजू जी, एज पर इकोनॉमिक्स, ज्वाइनिंग लेटर विद अ पी एफ एन ESI नंबर, ये इकोनॉमिक्स में नौकरियां जॉब की डेफिनेशन नहीं, तभी इसको जॉब कहते हैं, इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न या रोजगार के अवसर, पहली बात ये है। दूसरी बात, मुझे लगा हमारा फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, बहुत बढ़िया है। तीसरी बात लगा कि अगले साल का फिस्कल डेफिसिट वी आर टारगेटिंग बेटर, हमें बहुत थोड़ी बोरोइंग करनी पड़ेगी, उसके भी हमने प्रावधान किए कैसे करने पड़ेंगे। कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि भाई ये बेचना है वो बेचना है, वैसे वहाँ से कैपिटल बोरोइंग होगी। हमारा क्यूमुलेटिव डेट 2.28 ट्रिलियन डॉलर है, अगर आप आज US का देखें तो 31.4 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का 45 ट्रिलियन डॉलर। मैं क्यूमुलेटिव डेट की बोरोइंग कर रहा हूँ। अगर मैं फॉरेन बोरोइंग की बात देखूँ तो 2014 में से हमने वो करीब 20-21% ऑफ GDP होती थी, आज करीब 19% है, तो 600 बिलियन का टोटल हमारा एक्सटर्नल डेट है। फिर जो बजट में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, सबसे पहले मुझे अच्छा लगा जो हमने कॉन्सेप्ट लाया, श्रीअन्न। श्रीअन्न मतलब इनके मिलेट्स, मिलेट्स इज द एनर्जी फूड, मिलेट्स एनर्जी फूड है, और इंडिया सबसे ज़्यादा मिलेट्स को ग्रो करता है वर्ल्ड में, और इसका एक्सपोर्टर है। अभी जो दुनिया का दारोमदार है वो कहीं ना कहीं जाके वीट पे है, वीट या राइस, दो चीज़ें पे है, पर वीट और राइस की स्केस्टी इतनी हो रही है जो हमने रशियन यूक्रेन वॉर में देखा। तो अब अपनी फूड बास्केट को बढ़ाने का टाइम आ गया, रहा बाजरा, जोहर, रागी, ये सब मिलेट्स में आते हैं, कई तरह के मिलेट्स हम ग्रो करते हैं। तो हमने इन पे एक हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, एंड इंडिया विल बी अ वर्ल्ड हब फॉर द मिलेट्स। तो अगर हम आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल डाउन द लाइन, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, और अगर हम आने वाली बात करें, इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू वीट एंड राइस, क्योंकि वीट और राइस दो क्रॉप्स पे वर्ल्ड की डिपेंडेंस होना डेंजरस है। इसमें बाजरा, जवाहर, रागी और भी कई सारे तरह के मिलेट्स आते हैं, हम तो सारे तरह के मिलेट्स ग्रो करते हैं। मिलेट्स में एक एडवांटेज है कि ये छोटा किसान ग्रो करता है, मार्जिनल किसान ग्रो करता है, पैसा अच्छा मिलता है, कैश क्रॉप, अच्छा पैसा मिलता है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता है। तो वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इंडिया का मास्टर स्ट्रोक लगा मुझे मिलेट्स।
दूसरा मुझे जो लगा कि यहाँ हर एक की बात थी, स्टूडेंट की बात थी, एडल्ट की बात थी, ट्राइबल की बात थी। यहाँ तो मैं जाऊँ, यहाँ जो जेल में कुछ लोग बंद हैं हमारे कैदी, जो बेचारे छोटे छोटे जैसे 500 से 5,000 तक का बेल अमाउंट है वो नहीं दे पा रहे, इसलिए लोग हजारों लोग जेलों में बंद हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी, उनकी बेल का पैसा देके। वो जो छोटे छोटे क्रिमिनल हैं, छोटे ऑफेंस में बंद हैं, गरीब घरों से आते हैं, परिवार पूछता नहीं, कारण कुछ भी हो सकते, उनके लिए आया। तीसरा मुझे देखा जो मुझे अच्छा लगा, टूरिज्म पे बड़ा बूसा। आरजू जी हमने एक वीडियो भी किया था टूरिज्म पे, तब मैंने आपको बताया था टूरिज्म कितना बड़ा सेक्टर है, और मैंने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में आरजू जी आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। टूरिज्म पे एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 8 टूरिस्ट 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगी, और एक जो 7-8 प्रायोरिटीज बजट थी उनमें से टूरिज्म है, क्योंकि टूरिज्म का पोटेंशियल जब हमने आपके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आने वाले 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन विल बी अराउंड $1 trillion। अभी अगर आप ENY के नंबर्स की बात करें, बाय 2045 22 साल बाद आवर इकोनॉमी विल बी $25.8 trillion, ये ENY का नंबर है, ऑफिशियल लोग ने निकाला। तो टूरिज्म इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। और अगर आप हम AI की बात करें, 5G की बात करें, उस पर काफ़ी स्ट्रेस आया है, लैब्स खोलने की बात करें, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन फ्यूल्स पे हमारा काफ़ी स्ट्रेस रहा है। और मैं आपको बता दूँ 2023 के एंड में विल हैव द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, ये चलेगी शिमला से कालका, पहली ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रेन हम चलाएंगे, छोटा ट्रैक है, हेरिटेज ट्रैक है, उस पर हम चलाएंगे। और लास्ट टाइम हमने आपके शो पे ये बताया था कि भाई दो भाई अभी हम वंदे भारत जो एक्सप्रेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और FDI आ रहा है, ये सब बात हो गई थी। फिर एक अच्छा लगा कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब नहीं IT, मतलब लोग के दिमाग में कि स्टार्टअप मतलब IT, हम एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और एक इंक्यूबेटर्स के लिए हमने फंड शुरू किया है जो इन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेगा, हमको केवल फॉरेन फंडिंग में जरूरत डिपेंडेंट नहीं है, अपनी फंडिंग लगा के इनको इंक्यूबेट कर रहे हैं। 5G की बात हुई, AI की बात हुई, और जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ खोलना, उनके लिए एक लेवल विद्यालय जो है उनको खोलना, उनको एनहांस करना, ये अच्छा इनिशिएटिव रहा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, इनकम क्लास जो है, अर्निंग क्लास जो है, उसकी शिकायत रहती है हमें क्या मिला। कल अगर आप मोटा मोटा देखें तो करीब करीब 7 लाख रुपए तक इनकम तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख मतलब मेरा ये हमेशा से डिमांड कर रहा हूँ, और मैं हमेशा से ये डिमांड कर रहा था नेशनल टीवी पे, मैंने कहा यार 50-60 हज़ार रुपये आदमी को किसी को भी चाहिए घर परिवार पालने के लिए, वहां तक टैक्स न ले। तो मैंने बहुत बार हाथ जोड़े थे निर्मला जी से, मैंने कहा मैडम 50-60 हज़ार तक आप टैक्स न लगाए, उसके आगे लगाए जो आपके लगाना। तो ये आरजू जी कल बहुत पॉजिटिव बात हुई कि कल 50-60 हज़ार रुपये तक की इनकम पे लगभग कोई टैक्स नहीं है, अप टू 7 लाख रुपीज ऑफ प्रैक्टिकली नो टैक्स। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई, ATCC थोड़ा बढ़ाया गया, उसके अलावा एक चीज़ मोटी मोटी चीज़, टैक्स ओवरऑल घटाए गए, जो एक 15 लाख से ऊपर उन पर सरचार्ज लगता उसको कम किया गया, जो हाईएस्ट टैक्स हमारे यहाँ 42% था वो अब 39 है। ओवरऑल में अगर हम लगाए तो ओवरऑल यहाँ 20-25% टैक्स है ओवरऑल, मतलब ये कोई मैथमेटिकल एक एवरेज की बात करें। और कल जो इम्पैक्ट मैंने बजट का देखा, जो मेरे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट भी थे, हम एनालाइज कर रहे थे बैठ के, तो इसका मतलब टीवी पे ये सब डिस्कशन चल रहा था, तो आरजू जी करीब करीब 5% टैक्स घटा है, तो 25 में से 5 मानो तो 20% कल निर्मला जी ने टैक्स घटा दिया। जब पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह चीज़ें आसमान छू रही, यहाँ इंडिया ऐसी कंट्री जो अपना टैक्स घटा रहा और फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, तो ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत ज़बरदस्त बात थी। और हमारा FDI आ रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ठीक है, हमने कल काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए, सीनियर सिटीजन को भी दिए कुछ इनिशिएटिव दिए, मेडिसिन इंडस्ट्री को दी, और अगर ये जो हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के जो कारखाने लगाएंगे इसमें जो सामान आएगा इसमें उन्होंने ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी, ग्रीन एनर्जीज के लिए ड्यूटी एग्जेम्पशन कर ली, जैसे लिथियम बैटरीज हैं जो इसके लिए आप सामान लाओगे तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग कुछ भी नहीं है, इसमें एग्जेम्पशन दे दी। तो एक बहुत स्ट्रेटजिक पुश था। बाकी है जो हमारा जो गरीब भाई है, हमारी बहन है, उनको जो फ्री राशन है वो 1 साल तक और एक्सटेंड कर लिया। तो मतलब कुछ सिगरेट्स हमने थोड़ी महंगी कर ली, क्योंकि सिगरेट मैं तो बड़ा फेवर में सिगरेट महंगी, मुझे पता बहुत से लोग को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर सिगरेट कोई फायदा नहीं देती किसी का, सिगरेट नुकसान होता है, मुझे कोई बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, मैं तो खुद पीता नहीं पर मैं आपके लिए सोचता हूँ। तो ये वाली चीजें हैं। तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव बजट आया जिसमें हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कवर किया गया, हर एक को कवर किया गया, वो ट्राइबल हो, वुमेन हो,
वो ओल्ड एज हो, वो किड्स हो, वो सैलरीड क्लास हो, वो और बिजनेस क्लास हो, सर टैक्स रिबेट हो, सर डिफर्ड कमीशन थोड़ा पड़ोसियों बढ़ा को, दिया। सर पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ कुछ पैसा तो एयरमार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है। तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। आरजू जी, आपकी आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो 200 बिलियन डॉलर चाहिए। सच बताऊं आपको, मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप ये फिर ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा, क्योंकि 10 20 30 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं। ये मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है। अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो 200 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को। उतना पैसा कहीं नहीं है अभी। और मुझे सबसे अच्छी बिल्कुल चीज लगी कि हमने जी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें, और 10 लाख, मतलब इतना बड़ा पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना एक अच्छी बात। और एक चीज, हाँ ये मेरे दिमाग में, ये मैं बिफोर आई गो टू सेकंड पॉइंट ये आपको बता दूं, मैं 2 दिन पहले आपकी, आपी का शो था या कोई नेशनल टीवी था, मैंने अपील किया। मैंने कहा देखो, भारत बनने में 75 साल लगेंगे, वेनेजुएला बनने में 5 साल लगते हैं बस, तो हमें वेनेजुएला होने से बचेगी। मैंने बिल्कुल नेशनल टीवी पे अपील की थी निर्मला जी से। कल एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उधार मिलता पैसा सेंटर से, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री पे मिलता है, और 1 साल जो लोन चल रहा है 1 साल और उनका इंटरेस्ट फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। पर अब जो पैसा मिलेगा ना, वो सिविल मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो मुझे मास्टर स्ट्रोक लगा निर्मला जी का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसको सब्सिडीज या ओपेक्स में नहीं लगा, आप इससे तनख्वाह ही नहीं दे सकते, आप इससे अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर सकते। ये जो रेवड़िया और लेकिन सर आप जलेबी की ओपेक्स, डिफेंस बजट का भी कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ 16% बढ़ा करीब करीब, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 16%, डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ा पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 16% बढ़ा, क्योंकि हमारे डिफेंस बजट में अभी भी 40 से 50% जाता टूवर्ड्स सैलरीज एंड पेंशंस, तो 16% बढ़ने के वाला, वी कैन बाई मोर इक्विपमेंट। तो पहले उस पॉइंट पे आता हूँ, तो ये जो है ना, ये जो 10 लाख करोड़ हमने लगाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही कंट्री आगे बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तभी जॉब्स क्रिएट होगी, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगा। और आगे आप, अगर आप अभी देखें, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आउटडेटेड हो चुका है। यूएस नीड्स अराउंड $20 ट्रिलियन एज पर माई कैलकुलेशन टू पुट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और हर साल $1.7 ट्रिलियन चाहिए इन यूएस। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई नया नहीं रहा, अब हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आरजू जी, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें बहुत साल से चलेगा, इट विल नॉट बी द, और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर इस दोनों को कंबाइन करें विद टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ अगर हमने नेक्स्ट 20 साल, 10 12 साल भी हमने ठीक निकाल लिए, 2030 के बाद, मार्क माई वर्ड्स, 2026 में यू विल सी क्वांटम जंप्स इन जीडीपी, 2030 में यू विल सी कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल, कोई इंडिया को नहीं रोक सकेगा। और जो हमारा अभी जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,55,000 करोड़ हुआ है, विच इज सेकेंड हाईएस्ट, और ये जीएसटी जिस हिसाब से बढ़ रहा, मैं आई कैन सी कि साल 1.5 साल में ये 2 लाख करोड़ क्रॉस करेगा। जिस दिन ये 2 लाख करोड़ क्रॉस करेगा, आपको, आप गवर्नमेंट को बोरोइंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक पैसा बोरो नहीं करना पड़ेगा, विल बी बजट सरप्लस। और हमारे पास जो मीडियन एज है चाइना से 12 साल कम है, और अगर मैं इन तीन चारों चीजों को जो मैंने अभी बताई आपको, क्या मतलब 2 लाख करोड़ का जीएसटी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और आत्मनिर्भर हो रहे टेक्नोलॉजी में, अगर मैं इन चीजों को कंपेयर करूँ, 25 पॉइंट, मार्क में वर्ड्स में, 25.8 ट्रिलियन डॉलर मुझे कम लग रहा है, इट माइट बी हायर देन $30 ट्रिलियन बाई नेक्स्ट 22-23 ईयर्स। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, और यही चार चीजें हैं। एंड वट मेक्स मी हैप्पी, वी आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ। और ये जो वेनेजुएला बनने से बचना है, इसका प्रावधान जो निर्मला जी ने किया, उसको सादर प्रणाम। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था। अरे ये मैं, मतलब मेरी ना हंसी रुकी नहीं, मतलब आई वाज ऑन अ लाइव टेलीकास्ट, मैं फिर हंसी रुकी नहीं, क्योंकि मैं यही अपील कर रहा था। मैंने कहा मैडम कृपया करके ऐसा मत करिए कि आपने पैसा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी सब्सिडिया बढ़, उसकी सब्सिडी में लगा रहे, चुनावी वादे पूरे कर रहे, रेवड़िया बांट रहे, उसके कलर टीवी बट रहे हैं, और उसके लोग फ्री बिजली और पानी के बिल वेव ऑफ करें, ये ना कहिए, और इस चीज पर रोक लगाई गई। मैंने कहा था भारत बनने में 75 साल लगे, वेनेजुएला बनने में केवल 5 साल लगेंगे। एंड आरजू जी, दैट वाज थैंकफुली, दैट वाज काइंड ऑफ यू नो कंट्रोल्ड। और डिफेंस में आपको एक बात बताऊं, डिफेंस में जो हथियार इंडिया में बनाते हैं ना, कॉस्ट हमारी 1/10 होती है, कई बार 1/20 होती है, तो
तो डिफेंस बजट अगर इतना है तो वो मान लीजिए वो डबल या ट्रिपल वैसे हो जाता है। जितना हम इंडिजनाइजेशन करेंगे उतना डिफेंस बजट हमारा उतने ही पैसों में वी कैन बाई मोर। जैसे बाई जी डी पी वी आर नंबर 5, बाई परचेस पावर पैरिटी वी आर नंबर 3। अब हाउ डज दिस वर्क, मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स। बिल्कुल अब मान बिल्कुल लीजिए, जी अब मान लीजिए हम एक कोका कोला का कैन खरीदते हैं, एग्जाम्पल, ये यूएस में $2 का, $2 मतलब करीब करीब अभी 160-170 रुपए, यहाँ 30 रुपए का। तो मेरे 30 रुपए वही कोका कोला का कैन खरीदते हैं, वही मैं यूएस में जाऊँ तो वहां का $2 खरीदता है, क्योंकि यही वही चीज वहां 160-170 में आती है। सो वाई परचेस पावर पैरिटी चाइना इज नंबर 1, नंबर 2 इज यूएस, नंबर 3 इज इंडिया। वी आर एट $11.75 trillion ऑलरेडी By this year end, our GDP will be $3.8 trillion. तो ये तो ऑलमोस्ट अश्योर हो गया। और ये मतलब एक मतलब 15-16 मिनट में मैं जो मोटा मोटा बता पाया वो ये ना गा नहीं ऑब्वियसली वाली बात की। नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई वैसे तो खैर बजट एक बड़ा लेंथी टॉपिक है और बड़ी मुश्किल से जो है वो लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन आपने बहुत आसान सी जबान में आपने बताया। लेकिन मुझे साथ साथ अगर हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें, अभी बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ पेशावर में, और बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी हैं जिनकी तरफ से मैसेजेस आए और सारा कुछ, तो बहुत एक अच्छा लगा कि एक इंसानियत है दोनों कंट्रीज में कि कोई हादसा हो जाए तो इस तरह की बात होती। लेकिन सर क्या देख रहे हैं आप ये TTP के इस किस्म के अटैक्स? उन्होंने माना भी है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया अपना, TTP की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। क्या वजह आपको लगती है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की तरफ से? देखिए दो सवाल है आपके अर्जुन, दोनों बेहतरीन सवाल है। पहली बात जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको वो बता दूं इसमें क्या हुआ, और दूसरा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे उस पर भी आएंगे। पहली बात जो देखिए, जो भी लोग जहाँ भाग हुए हमें बुरा दुख है, और हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस एज अ कंट्री, मैं अपनी तरफ नहीं अपने देश की तरफ से कह रहा हूँ अपना, जिसमें मेरा खैर मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई देश से अलग नहीं हूँ, क्योंकि कहीं भी लोग का मरना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है, और मस्जिद जैसी जगह में तो और भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो बेचारे वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, खुदा को याद करने गए थे, और ऐसी में परिस्थिति होती है। ये इंसानियत है कि हमें इसका दुख हो, और हमें इसका दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। अब कॉज एंड इफेक्ट पे आए, अब जो मैंने देखा उस दिन, देखिए 100 लोग जहाँ वहाँ हो गए, और करीब करीब आरजू जी आपके 200 जख्मी है जिनमें से 50 क्रिटिकल बताए जाते हैं, तो ये नंबर बढ़ेगा। 24 घंटे तक लाशें निकली हैं, और ये मस्जिद जो है, अब यहाँ पेच कहाँ है, पेच यहाँ ये मस्जिद है पुलिस लाइंस में, 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी अंदर जाने के लिए, 90% से ज़्यादा मरने वाला बेचारा फौजी है या उसका परिवार है। तो सवाल ये होता है कि जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने कुछ अपने यार दोस्त जो मिलिट्री तरफ पता भी करने की कोशिश की है, आजू जी सुसाइड वेस्ट में इतना RDX एक्सप्लोसिव लगता नहीं कि वो इतना बड़ा डैमेज कर पाए, इतना बड़ा डैमेज, क्योंकि मस्जिद पूरी गिर जाती है, साथ का मकान भी गिर जाता है। सुसाइड वेस्ट में अगर वो पिलर विलर के पास भी खड़ा रहेगा तो इतना इतना पॉसिबल एक्सप्लोसिव नहीं हो। हमने देखा अफगानिस्तान में इधर उधर ओपन मार्केट में होते तो कितना डैमेज होता, 10-12-13 लोग, पर हमने इतना बड़ा डैमेज होते हुए नहीं देखा। और दूसरी बात यह कि जो जो सुसाइड बॉम्बर था उसका हेड ऐसे ही मिला, हेड वॉज फाउंड। अगर ब्लास्ट में इतनी ताकत होती तो सर के टुकड़े होने चाहिए, हेड शुड नेवर बी फाउंड, हेड भी मिला उसका, तो इट वॉज। तो सवाल ये है कि जो मेरा असेसमेंट कहता है, जो मेरे कुछ दोस्तों का भी मानना है कि जो मिलिट्री साइड वगैरह में जो समझते हैं इस चीज़ को बेहतर, कि क्या ये बॉम्बर, क्या क्या सुसाइड बॉम्बर ने केवल बॉम्ब डिटोनेट किया? इट वाज नॉट अ, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट अ वेस्ट सुसाइड वेस्ट लगा कि वो कैसे आता है, इतनी सिक्योरिटी थी, और अगर आ भी गया तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता कि साथ वाला घर भी गिरे, वहाँ भी लोग जहाँ वहाँ को। तो ये क्या बॉम्ब पहले लगाया गया? अगर बॉम्ब पहले लगाया गया तो किसने लगाया, कौन कौन लोग मिले इसके साथ, किस किस की साजिश है इसमें? क्योंकि मुझे लगता है सुसाइड बॉम्बर ने केवल बॉम्ब डिटोनेट किया, वो फोन से किया है या डिटोनेटर से किया है, किससे किया मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इट वाज ऑलरेडी, देयर वर बॉम्ब्स ऑलरेडी इन द मॉस्क, क्योंकि सुसाइड वेस्ट कैन नॉट कॉज सच अ डैमेज कि साइड वाला मकान गिर जाए। तो और अगर ये पुलिस लाइन के अंदर है तो यहाँ किसने किसने किसको कॉम्प्रोमाइज किया? और आज आप देख रहे हैं, आज मैं देख रहा था वही वही पेशावर में ISI मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बिल्कुल, और ये भी सुनने में आया KPK में पुलिस वाले कह रहे जी हम तो लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मरने, अब ये किसको पता यार, यहाँ 90% या 99% जो नमाज पढ़ने आएगा वो पुलिस का ही है, और अब इसके तार जोड़िए आप तहरीक तालिबान की धमकी के साथ, उसने क्या कहा था
कि भाई पुलिस आर्मी आईएसआई या पॉलिटिशियन पे हमला करेंगे, हम सिविलियन पे हमला नहीं करेंगे। पहला हमला पुलिस स्टेशन पे कब था, जिसमें स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो जहाँ भाग हुए थे छुड़ाते छुड़ाते। दूसरा पेशावर की मस्जिद पर, ये मस्जिद दिखती पर ये बेसिकली यही सारे पुलिस वाले ये सारे फौजी हैं। और अब जो आज सुनने में, आज भी किसी पुलिस स्टेशन पे पता नहीं जगह का नाम मुझे याद नहीं जी, मियांवाली का था। हाँ मियांवाली, करेक्ट, मियांवाली आज फिर पुलिस स्टेशन। तो जो तहरीके तालिबान ने कहा वो तो चीजें जा रही है, या तो पुलिस है या आर्मी ऐसा है या ये आपका पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो आपके अपने लिए बख्तरबंद गाड़ियां बना ली, वो तो ब्लड प्रूफ जैकेट में घूम रहे हैं, उन्हें तो खैर इतनी टेंशन है नहीं। और आज ये जो पुलिस वाले अब कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लग रहे, खतरनाक ये, ज्यादा डरावना ये है, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई या कभी एस्टेब्लिशमेंट पे डाउट लग रहा है कि भाई इतनी सिक्योरिटी होते हुए ये अंदर कैसे है। और ये तो पुलिस वालों को भी पता है, इतने सुसाइड वेस्ट में इतना आरडीएक्स या कोई ऐसा एक्सप्लोसिव होता नहीं जो इतनी डैमेज करे। अब आपको, अब हमें लग क्या रहा है, हमें तो परिस्थिति और खराब लग रही है। जो तहरीक तालिबान ने कहा वो किया, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, वी डोंट सपोर्ट वायलेंस एज अ कंट्री, वी डोंट सपोर्ट वायलेंस। बट सवाल ये है कि आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। कल आपकी आर्मी, परसों एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला जी हम इनको रोकेंगे, पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, पैसे नहीं है, रोकोगे कहाँ से। और असली डर तो आपका ये है कि अगर आप उनको रोकोगे तो आपके पास जो दो तीन दिन का एम्यूनिशन बचा वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ वल्नरेबल हो जाओगे इंडिया के अगेंस्ट। अगर इंडिया आता है जीबी और पीओके लेने तो वल्नरेबल हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि आपको जीबी पीओके लेने का यही मौका मिला क्या? अभी देखिए वहाँ नारे लग रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। देखिए अगर आपके पास, आरजू जी सीधी सी बात है, अगर आपके पास डॉलर है तो आप पॉलिटिशियन, आप कंट्री पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पॉलिटिशियन को खरीद सकते हो। तेल है तो कंट्री का इन्फ्लुएंस कर सकते हो, डॉलर है तो पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंसर पीपल उसको खरीद सकते हो। पर अगर आपके पास खाना नहीं है तो जनता पर पलट जाती है। अभी हालत तो ये है कि खाना नहीं है, अभी हालत तो ये है कि ब्लैकआउट इतने हो रही, दिक्कत इतनी हो रही, जनता परेशान है। सुनने में तो ये भी आया कि जो 360 रुपये किलो चावल है वो तो आपके बाकी प्रोवेंसों में तो मिल रहा है, पंजाब में तो मिल रहा है, बाकी प्रोवेंसों में वो भी नहीं मिल रहा है। आज ये भी, कल आपके बजट में एक और चीज़ पता है, कल आपका बजट चल रहा था, हमारा चल रहा था, परसों की बात है कि IMF ने कहा यार आपने 2 trillion rupees, आपका बजट 9.5 trillion rupees का होता है, उसमें पता लगा 2 trillion rupees रेवेन्यू तो आपने नकली दिखा रखे हैं। तब उन्होंने बोला 600 billion rupees का, मेरे मुंह से डॉलर निकल गया पर वो रुपया है, मैं सबको बता दूं, वो है 600 billion rupees का आप पाकिस्तानी रुपयों का मिनी बजट लाओ। अगर आप मिनी बजट लाते हो तो ये जो आटा है तो 500 रुपए पहुंच जाएगा, पेट्रोल 350 रुपए पहुंच जाएगा। वो तो आज भी खबर आई है कि, और जबकि आपने सारी LCs बंद कर दी है, सारी LCs ऑनर करनी बंद कर दी है। कल एक पाकिस्तानी बड़ा परेशान था US में, हमारे साथ एक शो में आया था न्यूज चैनल पे टीवी पे, उसने कहा वो पाकिस्तानी फ्लैग जला रहा था, हमने पूछा क्यों जला रहा, कह रहा मेरा पाकिस्तान का डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहीं नहीं चल रहा, इट्स डिनाइड बाय ऑल द बैंक्स इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो, और जो आपके कंटेनर, अब तो शिपिंग वाले कह रहे हैं वापस ले जाएंगे, कंटेनर डंप कर लेंगे, तो अगर ये खोलेंगे तो परिस्थिति कहां जाएगी? 3.2 billion बचा, 2 ship के 2 tanker समुंदर पे है जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हफ्ते भर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। और अगर आप अपने किसी इंटरनल एक्सपोर्ट से पूछेंगे वो आपको बोलेंगे 4 trillion का डेफिसिट है, 4 trillion rupees का डेफिसिट है। तो मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा बजट बढ़ेगा आरजू जी जिसमें 45% फिजिकल डेफिसिट हो, 45%, 2%, 3%, 4% तो समझ आता है। बिल्कुल, यहाँ 45% फिजिकल डेफिसिट है, इसीलिए मैंने कहा 200 crore चाहिए। तो हमें एक तो ये दिख रही है फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरी दिख रही है ये जो इंटरनल कलाई हो रही है, आईएसआई मुर्दाबाद के नारे, पुलिस लगा रही, पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस एंड मास रिजिग्नेशन कर रही, तो पाकिस्तान में होगा क्या? खाना वैसे ही नहीं है तो जनता को कंट्रोल करोगे कैसे? और आज दो बहुत हैरान करने वाली स्टेटमेंट आ गई। पहले तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया, अल्लाह ही देखेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। आज आपके इंटरनल मिनिस्टर साहब की जबरदस्त स्टेटमेंट आ गई, उन कहते पिछले 20 सालों में यहाँ 45 lakh पठान आए हैं और पठान हर जगह रहते हैं, अब मुझे क्या पता उनमें से कौन कौन टेररिस्ट है। तो आप कह रहे हो हर पठान टेररिस्ट है, हर पठान पे शक की सुई है आपकी, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये देखिए ये आपके इंटरनल मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा इसमें, उन्होंने कहा मुझे क्या पता 45 lakh पठान हर जगह है, तो मैं तो मतलब आप इन अ वे वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर लिए, तो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर लिए, आपने फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया और शेख राशिद को तो अरेस्ट कर ही लिया, और फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ बोल नहीं रहे। तो ये चीजें वरिंग है, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बोली है, पुलिस का इनमास रिजिग्नेशन, खाना है नहीं, करेंसी ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, और ये जो सब धीरे धीरे
एक एक बहाना कर करके हाथ खड़े कर रहे हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अल्लाह जाने, ये कह रहे हैं यार यहाँ तो 45 लाख पठान है, मुझे क्या पता कौन कौन टेररिस्ट है ये, और ये सारे मुसलमान है, इसमें हिंदू कोई नहीं है, ये सारे मुसलमान है। अब 98% मुसलमान को किससे खतरा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। वो तो सर पेशावर ब्लास्ट के बाद भी लोग कह रहे हैं कि आखिर इनमें से शहीद कौन है, जिन्होंने मारा वो भी मुसलमान है और जो जिनकी जाने गई वो भी, ये इशू तो खैर है यहाँ पर। अब ये जो तीनों परिस्थितियां जो डेंजरस कॉकटेल बन रहा है तीनों चीजों का, पैसा, पुलिस का रिजिग्नेशन, एक दूसरे पर आरोप और हुकूमत का हाथ खड़े कर देना, इससे हमें डर लग रहा है। इससे हमें डर लग रहा है कि वो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मतलब वेयर इज पाकिस्तान हेडिंग टू। इट्स अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस सिचुएशन, मतलब इसमें मजाक ना बनाया जाए और सीरियस नोट पे, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन और वी आर कीपिंग आवर आईज एंड ईयर्स ओपन, वी आर कंसर्न्ड आई मस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि जाहिर है कि पड़ोसी हैं और साथ बॉर्डर है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये लोग आगे इस चीज को कैसे लेके चलते हैं, और इस चीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए पिशावर ब्लास्ट के ऊपर, और कई तरह के इस पे जो है ना वो सवाल उठ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि लोग बात कर रहे हैं। मैंने बहुत मेरे ख्याल टाइम के बाद या कहना चाहिए फर्स्ट टाइम मैंने देखा है के पाकिस्तान में लोग सवाल करने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं, लोग इन चीजों को उठाने लगे हैं जो पहले बोलते हुए लोग डरते थे। और जब हमने शुरू किया था 2-3 साल पहले तो लोग कहते थे कि ये क्या बोल रही है, इसका दिमाग खराब है और ये कुछ भी बोल देती है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोगों में हिम्मत आ गई है, लोग बात कर रहे हैं इस चीजों के ऊपर। नहीं आरजू जी, वो तो मैंने आपके शो पे कई बार बोल चुका हूँ कि कहीं ना किसी को खड़ा होना पड़ता है ना, अकेले चले थे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, सच्चाई है जिंदगी की। पर मुझे, मैं सच्ची बताऊं, एक बात का एक केस स्टडी भी बन गई है परसों कल के हमारे बजट से, वो केस स्टडी ये बन गई है कि दो मुल्क ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बने थे, एक दिन आगे एक दिन पीछे, और एक मुल्क कहाँ पहुंच गया, दूसरा मुल्क कहाँ पहुंचा। अगर कहीं ना कहीं गलती है वो है फॉरेन पॉलिसी, वो है रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, वो है ये जिन चीज़ों पर आपने मुल्क को चलाया और हमने जिन चीज़ों पर चलाया। और ये बात भी आपको जाते जाते बोलूंगा, आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते और खुश हैं, संपन्न है और सुरक्षित है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर आई होप कि हम कुछ सबक ले सकें आप लोगों से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।